गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। ये भगवद गीत का दूसरा पहला है। एक पढ़ गया, उसको ध्यान से पढ़ना और उसकी हिंदी भी लिख लेना। सारे की हिंदी जैसे वीडियो के माध्यम से आप हिंदी लिख लिया करें अर्थ, और उसी से मिला पढ़ लिया करें तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जब आपसे पूछा आप क्या पेपर में, तो आप लिख सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हमारा पढ़ा नहीं, हम कैसे लिखें, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आप उसे प्रयास जरूर करिए, मेहनत करिए। आप बैठे क्लास ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। अगर किसी कारणवश कभी नहीं आप ज्वाइन कर पाते हैं तो जो हम वीडियो भेजते हैं ये बिल्कुल अचूके हैं, किसी भी कीमत पर अचूके हैं। अगर मोबाइल की सुविधा, जैसे मैं समझता हूँ संभवतः कहीं नहीं होगी, क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाई आज यूपी में चल रही है। यूपी का सभी जगह, इंडिया में पूरी जगह चल रही है, लेकिन अपने से की बात कर रहे हैं। तो सारे विभागों ने व्यवस्था की है, क्योंकि समस्या है, मजबूरी है, फिर भी अगर कुछ कारण फंसता है तो आप किसी अपने मित्र के यहाँ, परिचित के यहाँ शाम को चले जाएं और वीडियो से आराम से निकाल कर उसकी हिंदी बना लें और अच्छे से तैयार कर लें। देखिए ध्यान से, बिन गोपाल बैगन भाई कुंजन, ये कविताएं कह रहे थे। उसमें कभी दूसरा था जो पहले पढ़ाया था, कि उसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बता रहे हैं ब्रज की बातें। उसमें ये बताया था, उसका भाव ये था। इसमें बदल गया, इसमें गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजन। गोपाल का तात्पर्य श्री कृष्ण हो गया कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी के बिना बैरिन भई कुंजन। ये जो कुंज है, जो छाया करते हैं, छायादार जो वृक्ष हैं, ये मेरे लिए बलि के समान हो गए, शत्रु के समान हो गए। किसके लिए? बिना श्रीकरण के। जब श्रीकरण यहाँ थे, कहने का भाव उठा लिया, तो ये सब अच्छी थी। तब वह लता लगत चंद शीतल अभय संसार की पुण्य, तब वो लताएं, इन वृक्षों की लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। ऐसा प्रति होता था कि शरीर में ठंडक पहुंचा रही अभय संसार की पुण्य। अब वही लताएं जो ठंडक देती थी बिना भगवान की उपस्थिति में, विषम ज्वाल की पुण्य है, यानी भयंकर आग की लपटों के समान निकल रही है। इतना बदलाव आ गया, ये गोपिकाओं का कहना है। प्रताप आद जमुना खग बोलन प्रताप पूरन अल पुण्य है। प्रथा पहले उन्ना का जल बड़ा सुंदर लगता था, जब श्री कृष्ण जी उपस्थित थे उनके अनुपस्थिति में यमुना का जल बेकार हो गया, बेकार बह रहा है। पक्षी बोलते थे, कलरव करते थे, अच्छा लगता था, अब व्यर्थ में बोल रहे हैं। वृथा कमल भूलन अली गुंजन, पहले कमल के वृक्षों पर जब भौरे गुंजार करते थे बड़ा सुहाना लगता था, लेकिन आप भौरे गुंजन तो कर रहे हैं लेकिन बेकार है, व्यर्थ लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब तब अच्छा लगता था जब भगवान श्री उनकी अनुपस्थित थी, उनके अनुपस्थित रहने पर कार्य सब वही हो रहे हैं लेकिन सब बेकार हो रहे हैं। पवन पान अनुसार सजीवन तत्सुतिरन बाल भाई गुंजन, पवन हवा, पान पानी, घनसार कपूर, सजीवन सजीवनी होती जीवित मन को जीवित करने वाले दस्तुत चंद्रमा, ये सब आनंद दे। हवा सतर थी, जल सतर था, कपूर की महक अच्छी थी,
सजीवनी होती, मृतक को जीवित करने में शक्ति थी, चंद्रमा की किरणें ठंडक प्रदान करती थी। लेकिन अब ये इन्होंने अपने पूर्ण काम कर दिया, करना शुरू कर दिया है। अब इनमें वो शक्ति नहीं रही और चंद्रमा की किरणें ऐसा प्रतीत होता है जैसे भान में उठे, यानी सूर्य की किरणों के समान गर्मी प्रदान कर रही है, गर्म हवा दे रही है। ये उद्धव का युवा माधव सो मदन मार्ग की नींद रुक जाए। फिर वो क्या करते हैं, उद्धव तुम जा करके माधव माने श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे जाने के बाद मदन मार्ग की नींद, मदन माने काम करो, हमारे ऊपर आघात लगाए हुए हैं, हम लुंगे हैं, मैंने हमको लुंज लुंज माने होता है यानी शरीर अस्वस्थ हो जाना, कमजोर हो जाना, ढीला हो जाना, मेरी स्थिति गड़बड़ करती है, खराब करती है। सूरदास को तुम्हारे दर्श को मत दो किया सुन रहे हैं। सूरदास कहते हैं, गुप्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए देखने के लिए मग धोवत मन रास्ते में मथुरा से आने वाला मार्ग पर बैठ करके उपकाय करती, देखते देखते मेरी आंखें कमजोर पड़ गई हैं, आंखें मेरी अंधी हो गई हैं। ये बता रहे हैं इसका इसका अच्छे अच्छे ध्यान कर लेना।